हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मैं अनदर वीडियो। दिस इज पुसिन अदर बाइकर पुसिन। सो फ्रेंड, आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने वाले हैं। सो क्या वो एक एक्शन कैमरा है। सो काफ़ी दिन से एक हम एक्शन कैमरा हम यूज़ कर रहे थे। सो आपको पता है मेरा मोटो ब्लॉगिंग वीडियो में जो हम यूज़ कर रहे थे SJ कैम का SJ6 लेजेंड। सो फ्रेंड, अभी थोड़ा सोचे क्यों ना थोड़ा एडवांस करें, ये एक एक्शन कैमरा हम लिए हैं। और सब मोटो ब्लॉगिंग वीडियो में आपको देख रहे हैं कि मेरा जो वीडियो बन रहा था मोटो ब्लॉगिंग वाला, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था आपका माइक का, जो कि आपको पता है हम काफ़ी दिन से वीडियो यूज़ कर रहे थे। सो एक्शन कैमरा SJ6 लेजेंड हम यूज़ कर रहे थे। सो बहुत ही अच्छा वीडियो क्वालिटी, बट थोड़ा माइक में प्रॉब्लम हो रहा था। फिलहाल मेरा माइक का SJ6 लेजेंड का ही मेरा माइक रहा। सो आप लोग दिखाएंगे। सो अभी एक नया एक्शन कैमरा जो आपको बता रहे हैं उसका हम अनबॉक्सिंग दिखाते रहे, उसके बाद उसमें जो फीचर्स है थोड़ा जानेंगे, वही हमको बताएंगे। सो हमको पूरा नहीं पता कि इसमें क्या है नहीं है। सोचे एक एडवांस करें, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग जब बनाना ही है, बहुत इस वीडियो अभी बना भी नहीं रहे थे, आ भी नहीं रहा था, पता है। सो पूजा से पहले एक वीडियो बना रहे, तो सोच रहे वो वीडियो वो वाला लेके हम मोटो ब्लॉगिंग जो शुरू करेंगे। सो बाकी SJ6 लेजेंड का थोड़ा जो वीडियो है वो हम साइड व्यू जो आता है हम यूज़ करेंगे। तो चलिए आपको हम वीडियो अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा वो पार्सल मेरा एक्शन कैमरा का। सो अभी तक इसका अनबॉक्सिंग फिलहाल हम प्लास्टिक जो ओपन किए हैं सो देखने के लिए, बस हम ये अनबॉक्सिंग करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या पार्सल होता है। ये रहा वो कैमरा, देख सकते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। सो GoPro Hero 10 ब्लैक, खुलने के बाद संग से आप देख रहे हैं यहाँ पर GoPro लिखा हुआ ऊपर में, 10 एंड एक्शन कैमरा का एक फोटो, और यहाँ और सामने कुछ दिया हुआ कैमरा आप देख सकते हैं, 23 मेगापिक्सल वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं, 5.3K 60fps 4K पूरा हम नहीं बता सक रहे क्योंकि हम नहीं जानते उतना सब। और सामने पीछे कुछ इस तरह क्विक, ये जो है एक ऐप्स है जो आपको फ़ोन में इंस्टॉल करने पड़ेगा वो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। सो इधर और कुछ है नहीं, जो बैटरी और ये दिया हुआ है क्या क्या है इसमें शायद, चले ओपन करते उसके बाद ही पता चलता है। सो ये रहा, सो ये चलिए इसको निकालते हैं। सो ये रहा वो वाइट का एक, काफ़ी हार्ड है भाई ये, आपको बहुत टाइट भी है, फिलहाल टूटने वाला तो लग नहीं रहा जो टूटेगा। तो चलिए इसको करते हैं साइड, इसको करते हैं ओपन, ये साइड होगी ओपन ये। सो एक मैनुअल है, सो ये शायद वारंटी कार्ड है क्या। ये है स्टिकर जो आप कहीं भी लगा सकते हैं, हेलमेट या फिर बाइक कहीं भी। और ये एक मैनुअल बुक दिया है और कुछ नहीं है इसमें। ये एक डाटा केबल दिया है जो आप चार्जिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लस डाटा ट्रांसफ़र भी हो सकता है, सब हो इसमें। और ये है बैटरी, ये रहा एक क्लिप जो आप हेलमेट में माउंट कर सकते हैं या फिर कहीं भी माउंट कर सकते हैं। सो ये रहा एक, सो ये एक माउंट है जो आप कहीं भी चिपका सकते हैं बाइक कार या फिर हेलमेट, उसके बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं। और ये एक स्क्रू ये दिया है, सो ये अभी आप टाइट करने के लिए इसमें। सो भाई लास्ट ऑप्शन है ये कैमरा, ओपन किए नहीं है, सो आप लोग सामने ही कर रहे हैं। सो चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। और ये रहा कैमरा, कैमरा का फर्स्ट ये पन्नी निकालते हैं, ओ यार, उसके बाद फिर ये पन्नी उठा देते हैं, टेंट भाई साहब, उसके बाद आपका पीछे भी ये जो ये कैमरा लेंस का है और ये एक स्किन का है।
सो आप देख ही सकते हैं GoPro Hero 10 में आपका ऊपर में भी स्क्रीन है, पीछे में भी स्क्रीन है और ये कैमरा, और जो कि साइड में दिया है पावर ऑन ऑफ, जो कि 10 ब्लैक लिखा हुआ है। ये एक पावर ऑन ऑफ का बटन, ये एक पावर ऑन ऑफ का बटन, दोनों का काम अलग है इसका और इसका। एक ये क्लिप दिया है जो कि आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये आपका डायरेक्ट लग जाएगा। सो कैमरा भाई क्या लुक लग रहा है। तो चलिए इसमें हम बैटरी डाल के देखते हैं, उसके बाद ऑन करते हैं। तरह ओपन, सो ऐसा है ना, इसमें बैटरी बहुत हल्का सा धीरे धीरे डालना है क्योंकि ये देखिए अंदर में आपको पिन दिख रहा है शायद, ये देखिए। सो ये पिन टेढ़ा नहीं होना चाहिए। सो चलिए आस्ता इसमें हम बैटरी डाल के सवाल। ये रहा वो चिप जो कि हम लिए 128 GB का, इसका भी प्राइस क्या पड़ा हम वो भी आपको बताएंगे। ये हम ऑफलाइन लिए, ऑनलाइन नहीं लिए। ऑन करते हैं। मेरा ये शायद चार्ज था नहीं, सो हम आपको अब दिखा रहे हैं। सो यहाँ लिखा हुआ लैंग्वेज आप इंग्लिश क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद दिया हुआ बाय यूजिंग द GoPro आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज अवेलेबल एट GoPro.com, एग्री को भी क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद GPS लोकेशन ऑन कर दीजिएगा, और ये आपको देख रहा हूँ जो इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, ये क्विक जो पहले हम बोले मतलब अपडेट करने के लिए कुछ ऑप्शन को देता है। तो चलिए इसको थोड़ा अपडेट होता है कि नहीं हम दिखा देते हैं। इसी फ्रेंड आप देख सकते हैं सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जो कि आपको कैमरा दिखाता है बैटरी का ऑप्शन, नीचे प्लस जूम इन जूम आउट का या वाइड एंगल का दिखा सकते हैं। यहाँ मेमोरी कार्ड शो कर रहा है, इसमें है जो वीडियो अभी शो कर रहा आपका। सो वीडियो ये देखिए इधर पार्क कर देंगे, ये कैमरे में आएंगे फोटो में, और इधर ये आपका टाइम लैप्स का, तो वीडियो में करते हैं। तो वीडियो करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन को क्लिक करने से आपका इतना सारा ऑप्शन आपको खुल जाता है जो कि आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड 4K 30 MPS में वाइड एंगल, 4K 60 MPS में एक्टिविटी, और इसमें एक आता है सिनेमैटिक, फिर आता है अल्ट्रा स्लो मोड, फिर आता है बेसिक जो कि आपका 4K है, बेसिक आपका HD देख सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन है आपका इस GoPro में, बाकी सब ऑप्शन थोड़े दिखा दे रहे कैसा आ रहा, वो साइड में आपको दिख रहा शायद वीडियो फुटेज कैसे आ रहा। सो फ्रेंड आप देख रहे हैं ये एक वीडियो हो रहा है जो कि मेरा छत्ता पे है। सो कैसा वीडियो आ रहा हमको तो नहीं पता, फिलहाल इसका फुल रिव्यू देंगे बाद में। सो अभी थोड़ा सा रिव्यू आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा वीडियो आपको देखें। रहा मेरा GoPro एक्शन कैमरा का अनबॉक्सिंग एंड छोटा मोटा एक रिव्यू दिया, पूरा रिव्यू आपको पूरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में सेटअप होने के बाद आपको एक फुल रिव्यू देंगे, वो वीडियो शायद जल्दी दे देंगे, वो आपको नीचे में यहाँ पर दिख जाएगा साइड में। सो प्लीज़ देख के दिखिएगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड वीडियो यहीं क्लोज़ करते हैं, गुड बाय।